हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यस बैंक वित्तीय संकट से जूझ रहा है। संकट से उबारने के लिए आरबीआई ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आरबीआई ने यस बैंक से कैश निकासी की लिमिट तय कर दी है, जिसके बाद ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच एक और बुरी खबर आई है। देश के बड़े बैंकों की श्रेणी में आने वाला यस बैंक वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसके बाद आरबीआई ने मौद्रिक सीमा लगा दी है। इसके तहत खाताधारक अब यस बैंक से 50,000 रूपए से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई के इस कदम के बाद पूरे देश में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। यस बैंक के ग्राहक पैसे निकालने के लिए बैंक की शाखा तक पहुंच गए हैं। देश से लेकर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र में यस बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई। ग्राहकों के मन में कई सारे सवाल और कई सारी शंकाएं हैं, जिसे वो दूर करना चाहते हैं। आरबीआई के फैसले के अगले ही दिन बैंक खुलते ही लोग पहुंचने लगे, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी। भाई मैं कैश अपना चेक करवाना आया था या कैश लेना आया था। तो क्या रहा है? कैश ही नहीं के पास। तो कोई कहा बैंक वालों ने आपको कोई तसल्ली दी? कोई तसल्ली नहीं है। नाम नूम काले हुआ तो फोन कर देंगे। बहादुरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोग परेशान दिखे, कैश की किल्लत दिखी। जिन लोगों ने एक एक रुपए जोड़कर पैसे जमा किए थे, वो अब अपने हक का पैसा निकालने पहुंचे तो उन्हें कैश लिमिट की दुहाई दी गई। मुझे ये बैंक का खतरा लगा। मैं तो पैसे जोड़ के जहाँ रखता था, अब वो खतरा लगा है। अब निकालने आए तो इन्होंने कहा एक महीने 50,000 निकालेंगे। बाकी ये मैंने मेरी एफडी थी, पूछा कहने लगा एफडी सेफ है। अब पता नहीं सेफ है नहीं है क्या है। अब मौजूद जीवन के पैसा पैसा जोड़ जमा करते थे। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ हमारे पैसे सेफ हो जाए, मिल जाए, खत्म हो जाए, हैं आगे के लिए देखेंगे फिर किसी और बैंक में। फरीदाबाद में यस बैंक की शाखा में काफी भीड़ देखने को मिली। बैंक से पैसा निकालने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी। लोग अपना काम छोड़कर पैसा निकालने आए थे। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यस बैंक के जो ग्राहक हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर सुबह से ही लगी हुई है। जिस तरीके से आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है कि जो भी यस बैंक के ग्राहक हैं वो सिर्फ एक महीने में 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सुबह यहां पर नोट भी चिपका दिया गया है कि जो भी ग्राहक हैं आरबीआई के वो सिर्फ 50,000 से ज्यादा एक महीना नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से नोटबंदी के समय लोग लाइन में खड़े थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे कितनी लंबी लाइन यहां पर एक बार फिर से यहां पर लाइन लंबी लगी हुई है। यहां पर तमाम जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं एसबीआई का कहीं ना कहीं यस बैंक के, वो काफी परेशान है, सुबह से ही लंबी लाइन लगे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कब से लाइन में लगे हुए? मैं पिछले एक घंटे से लाइन में लगा हूँ और अपना काम अपनी ड्यूटी छोड़ के इस समय पे मैं सब कुछ यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ और ऑफिस का सारा काम छोड़ के हम लोग आए हैं। सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही है इसकी वजह से। बल्लभगढ़ में भी यस बैंक में लोग अपना पैसा निकालने पहुंचे, लेकिन खाताधारकों को बैंक की तरफ से सही जानकारी नहीं दी जा रही है। यस बैंक के ग्राहकों के मन में खाते से होने वाले ईएमआई, एसआईपी और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे भुगतान को लेकर कई सवाल हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। यस बस इसलिए आए हैं कि ये आउट हो गया है बैंक, तो अपने पैसे निकालने के लिए आए हैं। हमें जरूरत कितने पैसे निकालने हैं और अब ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बैंक फेल हो गया है, तो इसलिए हम निकालने के लिए आए हैं 50,000 रुपए। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या परेशानी आ रही है? और ये परेशानी है लोगों की, इतनी भीड़ लग रही है, तो इनकी कोई ना वो है जब ही तो नहीं तो समय से आप यहाँ पर बैठे हैं? एक घंटा हो गया है। लंबी लाइन है अंदर। हाँ। क्या कह रहे हैं, कितने समय में नंबर आएगा? कह रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद आएगा। करनाल के सेक्टर 12 स्थित यस बैंक और अन्य सभी ब्रांचों में भी यस बैंक के खाताधारक परेशान दिखे। किसी की सैलरी फंस गई तो किसी के बचत के पैसे फंस गए। लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। उन्हें न बैंक कुछ बता रहा है, न कहीं से भी कोई जानकारी मिल रही है। मेरा हस्बैंड की डेथ होगी एक साल पहले, उनका जो एलआईसी से मिला था वो सारा मैंने यहाँ डिपॉजिट कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि एफडी करवा लीजिए, तो मैंने उनके कहने से एफडी करवा दी है। उनसे पैसे लेने आई हूँ तो कह मैं कैश ही नहीं है, मेरे कुछ तो दे दीजिए। कहते हैं आई हैव नो मनी। मेरी कल सैलरी क्रेडिट हुई है इसमें, उसी को लेने आया हुआ था। मैंने सोचा कि निकल जाएगा, वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। मेरा लोन भी कटना है, अब वो कैसे कटेगा, डिडक्शन होगा वो अलग से आएगा।
चार्जेस। कोई समस्या आई हुई आपको? बहुत बुरी समस्या है, सैलरी नहीं निकल रही। एक 25,000 वाला आदमी कहाँ से करेगा जो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई है। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। लोगों के मन में कई सवाल हैं, ऊपर से होली का त्योहार है, ऐसे में कैश की किल्लत और लिमिट से परेशानी और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।